बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक पेपर आया हुआ है फेब्रवरी मार्च का 2023 का। ये क्लेम कर रहा है पेपर में हूँ और लिखा हुआ तो है फेब्रवरी मार्च 2023 का। तो देखते हैं भाई पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो पहला कह रहा है टू एंटर ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये तो डबल एंट्री की बात कर रहा है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के बाद, बिल्कुल सही है बेटा। अकाउंटिंग का काम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के हवाले से। टू प्रूव दैट टोटल ऑफ डेबिट इक्वल क्रेडिट, ये डबल एंट्री का काम है बेटा, ये बुक कीपिंग का काम है, अकाउंटिंग का काम नहीं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द बिजनेस बैंक मैनेजर से। देखिए अकाउंटिंग हम इसलिए नहीं करते कि भाई बैंक मैनेजर खुश हो जाए हमारा, हम तो अपने लिए करते हैं, सही है ना, डिसीजन मेकिंग वगैरह। हाउ वुड द बिजनेस ओनर नो दैट ही इज रिसीविंग अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। हाउ वुड अ बिजनेस ओनर नो दैट ही इज रिसीविंग रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ओनर को कैसे पता चलेगा कि जो मैंने पैसा लगाया है उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हिज बैंक अकाउंट इज नो लॉन्गर ओवरड्रॉन। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। हिज ड्रॉइंग हैव इंक्रीज, सही, ड्रॉइंग बढ़ गई, सही है। ड्रॉइंग से भी नहीं पता लगेगा, हो सकता है लॉस हो रहा हो बिजनेस में फिर भी हम ड्रॉइंग किए जा रहे हैं। हिज इनकम स्टेटमेंट शोड अ प्रॉफिट, बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से पता लगता है कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमें रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हिज वर्किंग कैपिटल हैज इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल से बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम प्रॉफिट लेते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं लेते। वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग अकाउंटिंग डेटा यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। तो कह रहे भाई ऑर्डर क्या, किस ऑर्डर में हम काम करें। सबसे पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट बनेगा या सबसे पहले डे बुक्स बनेंगी जनरल, या सबसे पहले लेजर टी अकाउंट बनेंगे, या सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो होता है ट्रांजैक्शन जो कि यहाँ पे है नहीं, उसके बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट बनते हैं, सही है। जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे अगर आपको याद है सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, क्रेडिट नोट वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, सेल्स इनवॉइस। और जितने भी सेल्स इनवॉइसेज हैं उसके बाद हम क्या बनाते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट के बाद हम इसकी एंट्री बनाते हैं जनरल में। जनरल क्या होता है बेटा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सही है। तो पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट बनता है, फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनती है, फिर वहां से बुक ऑफ प्राइम एंट्री से डेटा जाता है लेजर्स में। लेजर्स टी अकाउंट्स होते हैं, आपको पता है थ्री टाइप्स ऑफ लेजर्स आते हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर। जितने भी टी अकाउंट्स है बेटा फिर उनको बैलेंस किया जाता है और वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस, सही है। तो ये बेटा करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट पे जनरल पे लेजर पे ट्रायल बैलेंस। आगे क्या कह रहा है, अदर बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जूरी, सही है। अब आप देखें यहाँ दो पार्टीज है, एक अदा और एक जूरी। लेटर शी रिटर्न सम ऑफ द गुड्स टू जूरी, हाउ डिड अदा रिकॉर्ड द रिटर्न इन हर बुक्स। ये तो अदा नहीं है, तो अदी है, बहरहाल हाउ डिड अदा रिकॉर्ड द रिटर्न इन हर बुक्स। तो बेटा हमने बाय किया है माल किससे, जूरी से, और फिर हम उसको माल वापस दे रहे हैं। तो जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बेटा, हम अदा हैं, तो हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, और जो सप्लायर है बेटा जूरी, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, समीर ओन्स टॉय शॉप, नहीं टॉय नहीं लिखा हुआ, समीर ओन्स अ शॉप। टू डिटरमिन हिज सेलिंग प्राइस ही मार्कअप हिज इन्वेंट्री बाय 50%। मार्कअप किस पे लगता है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल पे। ही टुक इन्वेंट्री फॉर हिज ओन यूज कॉस्टिंग 100 बट डिड नॉट पे फॉर इट, हाउ शुड दिस बी एंटर्ड इन द अकाउंट। तो बेटा आप देखें, आपको पता है जब भी हम ड्रॉइंग करते हैं गुड्स की तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। तो ये मार्कअप इसने यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं रखते बेटा, तो हम एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट, सही। इसके अंदर जो है वैसे भी मार्कअप नहीं आता, तो हम जब ड्रॉइंग करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं करते। इन अप्रैल मीना सेंट राल्फ इनवॉइसेस फॉर 170, 240 एंड 125। तो देखिए मीना ने इनवॉइसेस भेजी है राल्फ को, कितने की, एक 170, फिर 240, फिर 125, और एक क्रेडिट नोट भेजा है कितने का, 63। इन द सेम मंथ राल्फ सेंट मीना अ डेबिट नोट फॉर 70 एंड अ चेक फॉर 107। राल्फ ने हमें क्या भेजा है भाई, चेक भेजा है 107 का। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट एट द एंड ऑफ अप्रैल, सही है जी, एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस, सही है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट एंड राल्फ बुक। अच्छा अब देखें, बुक्स राल्फ की हैं तो हम राल्फ हैं, और हमने किसका अकाउंट बनाना है बेटा,
मीना का। तो मीना कौन है बेटा, हमारे लिए कस्टमर या सप्लायर? व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट इन राल्फ बुक्स? बेटा अगर हम राल्फ हैं, मीना ने सेंड की है राल्फ को इनवॉइसेस, मीना सेंट राल्फ इनवॉइस, सही है। तो अगर हम राल्फ है बेटा, तो मीना हमें इनवॉइस भेज रही है, तो मीना हमारे लिए सप्लायर हुई, सही है। तो हम जो है वो राल्फ है और मीना हमारे लिए सप्लायर हुई। कैसे पता चला? मीना ने हमें इनवॉइस भेजी है, तो हमें इनवॉइस कौन भेजेगा? सप्लायर। तो बेटा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बैलेंस बीडी नहीं है। तो इनवॉइसेस का मतलब बेटा हमने उससे गुड्स बाय किए। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? परचेज डेबिट। हाँ, क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज डेबिट और मीना का अकाउंट क्रेडिट। कितना माल खरीदा बेटा? पहले हमने 170 का माल खरीदा है, उसके बाद 240 की गुड्स बाय किए, ये देखे ना, 170 240, फिर 125 की गुड्स बाय किए। और क्रेडिट नोट क्या होता है बेटा? परचेज रिटर्न होता है। क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज रिटर्न क्रेडिट और मीना का अकाउंट डेबिट कितने से? 63। इन द सेम मंथ बेटा राल्फ ने हमें डेबिट नोट दिया। अच्छा देखें, डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सिर्फ क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट नोट रिकॉर्ड नहीं करते। और बैंक आ जाएगा बेटा कितना? 107। अच्छा देखें, हम जो राल्फ है, हमने उसको दिया डेबिट नोट 70 का, हमने बोला भाई हम $70 हमारे अकाउंट को कम कर दो, लेकिन उसने हमें क्रेडिट नोट सिर्फ कितना दिया है? 63। तो हम 63 रिकॉर्ड करेंगे, 70 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो बेटा हमने बैलेंस सीडी निकालना है। इसका मतलब मंथ एंड पे अभी भी कितने पैसे हम कस्टमर से मांगते हैं। तो देख ले बेटा ये मंथ एंड का बैलेंस कैसा आएगा, इसके लिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी। और कौन सी आ रही है बेटा बड़ी साइड? अगर आप देख लें, बड़ी साइड आ रही है ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट साइड, सही है। जो बड़ी साइड है वो दोनों जगहों पे आ जाएगी। 170 प्लस 240 प्लस 125 कितना हो गया? 535, इसमें से माइनस कर दें 63 और 107, तो बेटा 365 बैलेंस बच गया, सही है। तो बेटा हम राल्फ है, मीना हमारे लिए सप्लायर है, सप्लायर का बैलेंस बीडी होके हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट पे। तो हम इसको 365 डेबिट नहीं बोलेंगे बल्कि क्रेडिट बोलेंगे, सही है। याद रखें ये फिर अगले महीने बैलेंस बीडी बन जाएगा और ये बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आ गया, सही है जी। आगे बात बढ़ाते बेटा, फर्स्ट में बशीर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसकी लिस्ट प्राइस क्या थी बेटा? बशीर भाई ने माल खरीदा, लिस्ट प्राइस है 200, इज गिवन ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20। तो इसका मतलब 200 की चीज़ हमने कितने में बाई की है? 180 में। अगर हम पेमेंट देते हैं विद इन 28 डेज कैश डिस्काउंट टेंडल और मिलेगा, विच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट ऑन फर्स्ट मे? तो फर्स्ट मे में बेटा हमने क्या किया है, हम बशीर हैं, हमने गुड्स बाय किए। तो सवाल ये आता है जब हम माल खरीदेंगे तो उस वक्त कोई डिस्काउंट माइनस होता है? बिल्कुल, उस वक्त सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा बेटा, जो लिस्ट प्राइस पे लगेगा, कैश डिस्काउंट फर्स्ट मे में माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम जो है वो एंट्री बनाएंगे 180 से, सही है। क्या एंट्री बनाएंगे? परचेज डेबिट और सप्लायर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 180 से। द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैव बीन कंप्लीटेड। ट्रायल बैलेंस बना दिया, कुछ एरर्स मिले। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रायल बैलेंस दैट हैड बीन कंप्लीटेड? कह रहे सर टोटल सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो गया? ओवर हो गया। तो बेटा अगर आप देखें, सेल्स अकाउंट को हमने ओवर कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट साइड में? सेल्स बेटा क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट करने हमने बढ़ा दिया, तो इससे क्रेडिट साइड बढ़ गई। क्रेडिट साइड बढ़ गई मतलब डेबिट साइड शॉर्ट हो गई। और जो वेजेस अकाउंट है बेटा, वो एक्सपेंस होता है, उसको ओवर कर दिया 25 से। तो बेटा यहाँ पे हमारा डेबिट साइड बढ़ गई, क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई। तो अगर आप देखा जाए तो ये हमारा कैंसिल हो गया, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई ना। द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम वॉज इक्वल। कैसे इक्वल हो गई बेटा? ये कंपेंसेटिंग एरर हो गया, एक जगह गलती से हमने सेल्स को बढ़ा दिया तो क्रेडिट साइड बढ़ गई, डेबिट कम हो गई। और दूसरी जगह गलती से हमने डेबिट साइड को बढ़ा दिया तो क्रेडिट साइड कम हो गई। तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? कंपेंसेटिंग एरर कहलाएगा। कंपेंसेट हो गया, कंपेंसेटिंग एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं। आगे थोड़ी सी जो है वो कैमरा ज़्यादा ख़राब हो गया, कोई आ गया था लग रहा है पिक्चर खींचते हुए। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फेल टू बैलेंस, हम तो भाई फेल हो रहे हैं इसको पढ़ते हुए। बहरहाल कह रहे विच आइटम्स हैव बीन एंटर्ड ऑन टू रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो हमें बताना बेटा कौन से हमने चीज़ें गलत जगहों पर लिखी। प्रेमिसिस बेटा एसेट डेबिट पे आता है, आपने बचपन में पढ़ा है बेटा, AED का नेचर डेबिट होता है,
याद है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग डेबिट होता है। अरब एमिरेट दिरहम से आपने याद रखा हुआ है LIC लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल क्या होता है क्रेडिट होता है। तो बेटा प्रेमिसेस को डेबिट किया है बिल्कुल सही किया है और फिटिंग को डेबिट किया है बिल्कुल सही किया है, प्रोविजन को क्रेडिट किया है वो भी सही है, बैंक लोन को डेबिट किया है ये गलत किया है। बैंक लोन बेटा डेबिट नहीं होता बल्कि क्रेडिट होता है। परचेज को डेबिट किया है बिल्कुल सही किया है और क्या सर सेल्स को क्रेडिट किया है वो भी सही है। जनरल एक्सपेंस गलत किया, जनरल एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट पर नहीं आता बल्कि डेबिट पर आता। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट है सही है, ट्रेड पेएबल डेबिट नहीं करना चाहिए था क्रेडिट करना चाहिए था। ऐसे ही वेजेस को डेबिट किया है सही किया है, ट्रेड पेएबल में गलत किया था ना, वेजेस को डेबिट किया सही किया। ओवरड्राफ्ट बेटा गलती की है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आता है डेबिट पे नहीं आता सही है। और कैश इन हैंड सही है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट पे किए गलत किए, ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा कहाँ आती है डेबिट पे। और ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती, कैपिटल क्रेडिट किया सही किया। बता दो बेटा कौन कौन सी चीज़ें गलत लिखी हैं, बैंक लोन है, ट्रेड पेएबल है, ओवरड्राफ्ट है और ओपनिंग इन्वेंट्री। बैंक लोन आ रहा है, जनरल एक्सपेंसेस जी, जनरल एक्सपेंसेस भी गलत लिखा था ना, एक सेकेंड, बैंक लोन, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कह रहे बेटा मोना पेड $32,000 फॉर न्यू मोटर व्हीकल, गाड़ी खरीदी, अच्छा भाई गुड फॉर हर। कह रहे दिस इंक्लूडेड 100 फॉर फ्यूल, अच्छा ये जो 32,000 की गाड़ी है इसके अंदर फ्यूल भी शामिल है और 250 रोड टैक्स भी शामिल है सही है। और शी डेबिटेड द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट विद 32,000। अच्छा अब आप देखें बैंक को तो क्रेडिट किया वो तो बात सही है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या गाड़ी को डेबिट करना चाहिए था, बिल्कुल हमने परचेज को डेबिट कर दिया। दूसरी बात यह बेटा ये जो फ्यूल है ये तो एक्सपेंस में आना चाहिए सही है, फ्यूल क्या है ये मोटर एक्सपेंस है और रोड टैक्स है ये भी क्या है मोटर एक्सपेंस। अब हमने इसकी सही एंट्री बनानी। तो बेटा अब देखें मोना ने क्या हरकत कर दी, हरकत ये कर दी बेटा कि गाड़ी खरीदी थी 32,000 की, जिसमें से पहले तो ये माइनस कर देते हैं क्या चीज़, एक तो फ्यूल माइनस कर देते हैं और एक रोड टैक्स माइनस कर देते। तो बेसिकली गाड़ी थी कितने की बेटा 31650 की, जो कि हमने गाड़ी को तो डेबिट ही नहीं किया था। अब गाड़ी अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे 31650, और ये जो फ्यूल है और रोड टैक्स है ये मोटर एक्सपेंसेस को भी डेबिट करेंगे। और जो पूरा 32,000 बेटा गलती से हमने कहाँ डेबिट कर दिया था परचेज में, अब परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज जो बेटा गलती से डेबिट हो गया था उसको क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया। शाजिया ट्रेड रिसीव ट्रायल बैलेंस फेल टू बैलेंस सही है जी, एंड डिफरेंस वॉज प्लेस इन अ सस्पेंस अकाउंट। आपको पता है बेटा जब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, जितने से बैलेंस नहीं होता, हम एक टेम्प्रेरी अकाउंट की मदद लेते हैं और उसका नाम क्या होता है सस्पेंस अकाउंट। शादिया डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, अगर आप देखो दो एरर्स दिए हुए, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड। तो हमने बैलेंस बीडी निकालना है। तो जब भी इस तरह का सवाल है बेटा पहले आप जनरल एंट्रीज बना दिया करें। कह रहे चेक रिसीव 280 हैव बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो बेटा जब चेक रिसीव होगा तो बैंक डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे बेटा बैंक को डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। 280 × 2 कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, 280 × 2 बैंक को बेटा 560 से क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक को 280 से डेबिट करना चाहिए था लेकिन हमने क्रेडिट किया। अब अगर 280 से ही डेबिट करेंगे तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और जो चेक रिसीव हुआ है वो तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए हम बैंक को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे और क्रेडिट पे क्या आ जाएगा सस्पेंस, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे सस्पेंस आता। नेक्स्ट में कह रहे हैं बेटा चेक रिसीव चेक टू नोनू 50 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन नोनूज अकाउंट, सही अजीब सा नाम है। कह रहे भाई चेक जो है वो नोनू को दिया 50 का, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन नोनू का। तो बेटा अगर हम चेक दे रहे हैं, चेक टू नोनू है ना फ्रॉम नीन, तो हम जब चेक दे रहे हैं सप्लायर को तो सप्लायर डेबिट होना चाहिए, हमने नहीं किया डेबिट तो अब सप्लायर को डेबिट कर देते हैं नोनू को, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा जहाँ कुछ नहीं आएगा वहाँ पर सस्पेंस। बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि बेटा बैंक को ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, कह रहे हैं नॉट बीन एंटर्ड इन नोनूज अकाउंट, तो नोनू डेबिट और सस्पेंस कट। तो बेटा अब एक सस्पेंस का टी अकाउंट खोल देते हैं और पहली एंट्री में क्या हो रहा है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है और रेफरेंस में क्या लिख देंगे बैंक, और सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है बेटा सस्पेंस दोबारा क्रेडिट हो रहा है और रेफरेंस में क्या आ जाएगा नोनू, सही है। अब आप इसको बैलेंस करके देख लें तो जो शॉर्ट साइड है वहाँ पर आ जाता है डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। तो कितना आ रहा है बेटा ओपनिंग बैलेंस आफ्टर द एरर वर करेक्टेड 560 + 50 हो गया 610, सही है 610 डेबिट जी।
सिक्स टेन डेबिट आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा। जी क्या कह रहा है, ये बैंक रिकन्सिलेशन आ गया। कह रहा बेटा 31 जुलाई, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं। बैंक कॉलम इन कैश बुक शोड येट C12 इन द बैंक, ये पॉजिटिव बैंक बैलेंस सेम डेट। बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस 53। अब देखिए मसला ये, हमारे हिसाब से अगर पॉजिटिव बैलेंस है वो तो डेबिट होगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर बोले आपका बैलेंस डेबिट में चला गया, इसका मतलब बैंक के लिए हम बन गए रिसीवेबल, सही। तो ये ओवरड्राफ्ट है, बैंक अगर डेबिट बोल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हमारे हिसाब से डेबिट अच्छा होता है, बैंक के हिसाब से क्रेडिट अच्छा होता है। इट वॉज फाउंड दैट बैंक चार्जेस कितने थे बेटा, 47 नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड चेक 318 फ्रॉम कस्टमर नॉट बीन क्रेडिट टू द बैंक। व्हाट इज द बैंक बैलेंस दैट शुड बी रिटन इन द एसओएफपी, सही है। तो एसओएफपी में कौन सा बैलेंस आता है बेटा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम उस बैलेंस से जो हमें पहले दिया हुआ है, ही हैड 312 इन द बैंक, तो बैलेंस बीडी कहाँ आ जाएगा बेटा, डेबिट पे आ जाएगा 312। तो बेटा बैंक चार्जेस से बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कितना, 47, और कस्टमर से जब पैसे आएंगे रिसीवेबल से तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा 318। तो बेटा इसको हम अपडेट कर देंगे और जो शॉर्ट साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी ऐसा। तो 312 बेटा और प्लस 318 कर लेंगे, 630 हो गया, इसमें से माइनस कर दें 47, तो कितना बच गया, 583, सही है। अच्छा ये जो सेकंड वाला एरर है ये हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, ये कह रहा है पढ़े तरह क्या कह रहा है, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक एंड अ चेक फ्रॉम कस्टमर हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो इसका मतलब बेटा ये अनक्रेडिटेड होगा, अनक्रेडिटेड या नहीं आता, ये तो आता है बीआरएस में। तो अभी तो हमने बेटा ये बनानी है, ये बताना है कि एसओएफपी में कौन सा बैंक बैलेंस जाता है। एसओएफपी में याद रखें हमेशा अपडेटेड कैश बुक बैलेंस जाता है। तो हमें काम करेंगे 312 में से सिर्फ 47 हमने माइनस करना है। अब आप देखें बैलेंस सीडी जो बच गया 265, अगर बैलेंस सीडी बेटा क्रेडिट पे आ रहा है तो बैलेंस बीडी बनके डेबिट पे आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या चीज़ है, एसेट है। तो ये वाला हमने क्यों नहीं लिया भाई, 318 ये अनक्रेडिटेड है, अनक्रेडिटेड अपडेटेड कैश बुक में नहीं आता बल्कि बीआरएस में आता। कह रहे हैं व्हाई इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर्ड, एसएलसीए क्यों बनाते हैं। एसएलसीए से बेटा ये पता लग जाता है कि टोटल कस्टमर्स का बैलेंस कितना है, टू इनेबल इनकम स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड क्विकली, ये हो सकता है बिल्कुल, टू इंश्योर ऑल लेजर अकाउंट्स आर एक्यूरेट, टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स, सही ये भी हो सकता है, टू शो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ईच ट्रेड रिसीवेबल। तो ईच वाला तो गलत होगा, सही है। तो अब इनमें से हो सकता है ये सी वाला ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स। बेटा जितने भी क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनके साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको सबको समराइज कर दें तो एसएलसीए में आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट बनाने में हेल्प तो करता है, लेकिन आपको पता है एसएलसीए में जो सेल्स आती है वो सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, कैश सेल नहीं आती, और इनकम स्टेटमेंट में आती है टोटल सेल। टू इंश्योर दैट ऑल लेजर अकाउंट्स आर एक्यूरेट, ये इंश्योर हम नहीं कर सकते, ये इंश्योर वाला वर्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अश्योरेंस दे रहा है, तो हम ये अश्योर नहीं कर सकते, हो सकता है फिर भी कुछ एरर्स हों अगर हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे, तो सी जो है वो राइट आंसर। जेसन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑन द एसएलसी ऑन 31 मार्च। बहुत आसान है बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 400 डेबिट, सेल्स से बेटा डेटर बढ़ जाएगा वो हम प्लस कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस लेंगे सेल्स को प्लस कर देंगे, जब चेक रिसीव होगा बेटा तो माइनस कर देंगे, बैड डेट से भी डेटर कम हो जाएगा, और जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम डेटर को दोबारा बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि जब चेक आया था तो हमने डेटर को कम कर दिया था, अब जब चेक बाउंस हो गया तो डेटर को दोबारा बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा ओपनिंग 400 से 520 ऐड कर देंगे, 920 हो गया, 300 माइनस कर दें, 45 भी माइनस कर दें, और 10 को दोबारा ऐड बैक कर दें, तो कितना आ गया, 585। चाहे तो एसएलसीए बना के कर लें, उससे भी आंसर सेम आया। तो एसएलसीए बेटा डेटर का बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली डेबिट पे आता है, तो बैलेंस बीडी डेबिट पे लिख दें, क्रेडिट सेल्स, सेल्स से हमारा डेटर बढ़ जाएगा, जब चेक रिसीव होगा तो बैंक लिखेंगे, डेटर कम हो जाएगा, इर रिकवरेबल डेट जो है उससे भी हमारा डेटर कम हो जाएगा, और जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड में, सही। अब आप इसको ऐड कर लें तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए इन तीनों को हमने ऐड किया और इन दोनों को माइनस किया है, यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, दो माइनस कर रहे हैं बाकी सब प्लस कर रहे हैं। कह रहा था द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड व्हेन अ न्यू मशीन वाज परचेज, हमने बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होगा। कैपिटल वो होता है बेटा एक्सपेंडिचर जो कभी कभार होता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन करंट एसेट को बाय करते वक्त लगता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है
जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से वैल्यू मेंटेन होती है। तो जो मशीन बाई की वो कैपिटल होगा, डिलीवरी कॉस्ट वो भी एक ही दफा होगी, शुरू में नए एसेट पे जितना भी खर्चा हो जो जरूरी है उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या इंटेंडेड यूज में लाने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इंश्योरेंस बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो नहीं आता, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज इंस्टॉलिंग द मशीन। अब देखिए वेजेस वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयज को किस चीज की वेजेस दी जा रही है, दिहाड़ी, ताकि वो मशीन को इंस्टॉल करें, तो वो एक ही दफा होगा, वो बार बार नहीं होगा। तो तीन चीजों को बेटा ऐड कर लें, 32,000 और 1800 प्लस 1300, 32,1800 प्लस 1300, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 35,100। कह रहा व्हाई वुड अ मैन्युफैक्चरर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन हर फैक्ट्री इक्विपमेंट। कह रहा बेटा मैन्युफैक्चरर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करता है, सही है, टू कैलकुलेट द रेजिडुअल वैल्यू। नहीं, रेजिडुअल वैल्यू तो हमें पहले ही पता होनी चाहिए ना, हम डेप्रिसिएशन इससे थोड़ी चार्ज करते हैं कि हमें स्क्रैप वैल्यू का पता लगे, स्क्रैप वैल्यू तो पहले ही हमें गिवन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। टू प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन का रिप्लेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। टू स्प्रेड द फ्लो ऑफ कैश, डेप्रिसिएशन का बेटा कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। टू स्प्रेड द कॉस्ट ओवर इट यूजफुल लाइफ, ये बात बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, ताकि एसेट की कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाए ओवर इट्स लाइफ। बेटा अगर आप देखें यहाँ बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, 1 जनवरी में मशीन पड़ी हुई है, इसकी कॉस्ट कितनी है 20,000, प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है 7,200, और 1 जनवरी में लूज टूल्स पड़े हुए हैं कितने के 2,100। मशीन की डेप्रिसिएशन का रेट है 20% आरबीएम रिड्यूसिंग, एडिशनल टूल्स बेटा इस साल हमने बाई किए 300 के, नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द लूज टूल परचेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये देखें थोड़ी सी इसने गंदी बात बोली है, नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टूल्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब जो इस साल खरीदे उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, अगले साल से लगाएंगे। 31 दिसंबर में क्या कह रहा है बेटा, टूल्स लूज टूल्स मोर देन 12 मंथ ओल्ड वर वैल्यूड एट 1850। 31 दिसंबर में वो लूज टूल्स जिसको एक साल से ज्यादा हो गया, सही, उसकी वैल्यू इतनी रह गई एक साल से ज्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट है बेटा डेप्रिसिएशन हमने क्या करनी है फाइंड। तो बेटा पहला तो आपका है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस तो बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला पता है रिड्यूसिंग का, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो बच जाता है उस पर हम लगा देंगे परसेंटेज। तो अगर आप देखें मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है 20,000, और पहले से प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है 7,200, कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस कर दें 12,800 आ गया, इस पर लगा दें सीधा सीधा 20%, तो आंसर आ गया सर 2560, तो ए और बी में से आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो लूज टूल्स में बेटा जो हमें मेथड पता है वो एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, और वो है रीवैल्यूएशन मेथड, और मैंने याद रखवाया हुआ है बच्चों को ओएडीसी से। ओएडीसी क्या है भाई, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस, सही, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस। अब ये क्या है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग, सही, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ओपनिंग का मतलब बेटा साल के शुरू में कितने एसेट पड़े हुए थे, एडिशन इस साल कितने नए एसेट बाय किए, डिस्पोजल कौन से पुराने एसेट बेचे, और माइनस क्लोजिंग ईयर एंड पे कितने एसेट पड़े हुए। तो बेटा अगर आप देखें स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जनवरी में कितने के एसेट पड़े हुए, ओपनिंग है 2100, तो नॉर्मली तो हम एडिशन इसमें ऐड करते हैं, लेकिन एक मसला है यहाँ पे, इसने एक मस्ती कर दी और वो कह रहा है बेटा जो हमने इस साल नए एसेट बाय किए हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होंगे, तो इसका मतलब बेटा फिर हम एडिशन को प्लस नहीं कर सकते, डिस्पोजल भी नहीं है, और ईयर एंड पे कितने के टूल्स बच गए, वो कह रहा है ईयर एंड पे जो टूल्स बच गए, टूल्स मोर देन 12 मंथ्स ओल्ड वर वैल्यूड एट 1850। मोर देन 12 मंथ्स ओल्ड का क्या मतलब बेटा, लूज टूल्स मोर देन 12 मंथ ओल्ड, इसका मतलब ये पुराने टूल्स की बात कर रहा है, जो 2100 वाले थे ना ये 1850 के रह गए, जो नया खरीदा उसको तो डेप्रिशिएट करना ही नहीं है, सही है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपने एक चीज $2100 में खरीदी और एक साल के बाद उसकी औकात रह गई 1850, तो कितनी वैल्यू गिर गई, 250 वैल्यू गिर गई ना, तो 2100 की चीज 1850 रह गई, तो नॉर्मली तो इसमें हम एडिशन प्लस करते हैं डिस्पोजल माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ हम एडिशन इससे नहीं ले रहे क्योंकि इसने खुद मना कर दिया कि एडिशन वाली पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी जो इस साल नया खरीदा, सही है जी। कह रहे अ ट्रेडर मेड द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लेजर, व्हाट वाज ही रिकॉर्डिंग, क्या एंट्री बनाई, इररिकवरेबल डेट डेबिट और पीटर क्रेडिट। तो ये हम एंट्री उसी वक्त बनाते हैं बेटा जब कस्टमर हमारे पैसे नहीं दे रहा, सही, अ क्रेडिट कस्टमर विच हैज फेल्ड टू पे विद इन द अग्रीड टाइम लिमिट, बिल्कुल ये हो सकता है, डेट
हैड बीन रिटन ऑफ हैज नाउ बीन रिकवर्ड, नहीं डेट रिकवर ये नहीं हो रही। अगर डेट रिकवर होती है तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट, उसमें फिर कस्टमर का नाम नहीं लिखता है, और डेट्स रिकवर्ड एक इनकम का अकाउंट होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, सो ये एंट्री बनाते हैं डेट। एन अमाउंट ओल्ड बाय कस्टमर कैन नॉट बी रिकवर्ड, अमाउंट ओल्ड बाय कस्टमर कैन नॉट बी रिकवर्ड। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है? अ क्रेडिट कस्टमर हैज फेल्ड टू पे विद इन द अग्रीड टाइम लिमिट, हाँ तो ये आंसर होगा कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि अगर वो कहता है कि अग्रीड टाइम लिमिट में उसने पैसे नहीं दिए, हो सकता है टाइम लिमिट के बाद दे दे, तो हम ये नहीं करते कि भाई 10 दिन का आपके पास टाइम था, 10 दिन में आपने क्यों नहीं दिए, अब हमने उसको इररिकवरेबल में डाल दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये वाला आंसर जो है वो सही होगा, सी द ट्रेडर हैज बीन अनेबल टू पे सप्लायर, सही है। बैड डेट उस वक्त होता है बेटा जब कोई उम्मीद नहीं है पैसे आने की, ये नहीं कि आप एक दिन लेट क्यों हो गए हमने आपको बैड डेट कर दिया, ऐसा नहीं होता। कह रहे द बैलेंसेज इन द बुक्स ऑफ जूली, बेटा जिसकी बुक्स है जिसका लेजर है वो पार्टी हम है, ऑन 1 जुलाई इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर आप देखो ट्रेड रिसीवेबल्स इतना दिया हुआ है ओपनिंग में, और प्रोविजन इतना दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल जो कि ईयर एंड पे वो इतना है, ऑफ विच 500 शुड बी रिटन ऑफ एज रिकवरेबल, शुड बी रिटन ऑफ मतलब हुआ नहीं है अभी राइट ऑफ करना है। जूली वॉन्ट टू मेंटेन हर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, वो कह रहे हैं प्रोविजन हमने क्या करना है मेंटेन करना है। What was the change in provision for doubtful debt at 30th June 2022? हमने बताना है भाई provision में क्या change है, बहुत आसान है बेटा। तो opening provision तो दिया हुआ है इस साल 58,500 में से पहले 500 minus कर दे कितना बचेगा 58,000, और 58,000 पे doubt लगा देंगे 2%, तो देख लें बेटा कितना doubt बन गया 58,000 का 2%, 58,000 multiplied by 2%, 1160 का doubt आ रहा है बेटा year end पे, और पहले से कितना doubt पड़ा हुआ है 1284, तो 1284 बेटा जो डाउट था अब वो कितना रह गया 1160, डाउट कम हो गया, सही है। डाउट कम हो जाना बेटा हमारे लिए अच्छी बात है, तो कितने से डिक्रीज हो रहा है बेटा प्रोविजन 124 का डिक्रीज है, तो बी इज द राइट आंसर। व्हेन वैल्यूइंग इज क्लोजिंग इन्वेंटरी आसिम ओमिटेड गुड्स 990, सही है, क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू करते हुए गुड्स को ओमिट कर दिया कितने से 990, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्यों? जैसे आपको पता है ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, तो क्या आ जाता है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही होता है, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा अब सीन कुछ ऐसा होता है कि क्लोजिंग माइनस हो रही है, जितनी क्लोजिंग कम होती है ना हमने ओमिट कर दी उतनी कॉस्ट बढ़ गई होगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो जीपी कम हो जाएगी, तो क्लोजिंग को बेटा हमने ओमिट कर दिया, तो क्लोजिंग ना लिखने की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई और जीपी हमारा कम हो गया। तो बेटा जीपी कम होगा, सही है ना, क्लोजिंग इन्वेंटरी कम लिखने से जीपी कम हो गया, अगर जीपी कम होगा बेटा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी बेटा, जीपी एनपी भी कम होगा और उसकी वजह से हमारी इक्विटी भी कम हो जाएगी। ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसर्न्ड अबाउट हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओनर परेशान है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, विच स्टेटमेंट विल शो द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, बैंक स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बैंक रिकंसिलेशन इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट आती है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो पता लग जाते हैं, सही है ना, एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट, सही, इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है। Service business to provide the following information at end of the year, what was the bank balance? तो बेटा ये service business है, इसका ये data दिया हुआ है और हमने बताना है कि bank balance कितना होगा। तो यहाँ पे बेटा हम accounting equation use कर सकते हैं, अगर आपको याद हो accounting equation क्या कहती है, assets is equal to capital plus liability। तो अगर आप देखें बेटा capital हमें दिया हुआ है कितना 14,100, agreed, और liability दी हुई हमें क्या चीज 800, तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे, कैसे, कैपिटल है बेटा हमारा 14,100 और हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है 800, तो बेटा टोटल एसेट्स आ गए 14,900, ये एसेट्स आ गए। अब अगर टोटल एसेट में से हम माइनस कर दें बाकी एसेट्स, कौन कौन से, नॉन करेंट एसेट और ट्रेड रिसीवेबल, 14,900 में से हम अगर माइनस कर दें 16,000 नॉन करेंट एसेट्स हैं और ट्रेड रिसीवेबल 150 है, तो इसका मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब हमारा बैंक क्या होगा ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक क्या होगा हमारा ओवरड्राफ्ट, बैंक हमारा बेटा एसेट नहीं होगा बल्कि लायबिलिटी होगा, क्योंकि अगर बैंक हमारा एसेट होता
तो ये टोटल एसेट ज्यादा आ रहे होते हैं, सही है, इन दोनों से ज्यादा आ रहे होते हैं। अगर बैंक कम है इसका मतलब कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब एसेट्स हमारे पास सिर्फ ये हैं। अब दोबारा इक्वेशन बना के देख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ ये दो ही हैं, कितने आ गए 16180। कैपिटल कितना आ गया बेटा हमारा, कैपिटल आ गया 14100, और बाकी हमारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी। कैसे निकाली लाइबिलिटीज, एक तो दी हुई है ट्रेड पेबल कितना 800 दी हुई है ना, एक तो ट्रेड पेबल, और एक हमने निकाला ओवरड्राफ्ट, वो भी लाइबिलिटी है 1250। कितना आ गया 2050। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बेसिकली बेटा हमने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी थी, एसेट साइड बराबर आ गई कैपिटल एंड लाइबिलिटी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। पहली बात ये बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, ये चीजें कैपिटल अकाउंट में तो नहीं आती, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो वैसे भी हमारे कोर्स में नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट वाले ऑप्शन तो हटा दें। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे, एक बी और एक डी। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चूंकि हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ जाना मतलब क्रेडिट हो जाता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंट में कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड, सही है। जो चीज बेटा प्रॉफिट को बढ़ा रही है वो क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होती है, और बाकी जो चीजें वो डेबिट होती हैं। क्या डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, सही है, ये चीजें डेबिट होती हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और करंट अकाउंट में बेटा जो चीजें हमने पार्टनर को देनी है उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगी, और जो चीज पार्टनर से लेनी है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। 24 में देखे क्या कह रहा है, पार्टनरशिप का सवाल है, जावेद एंड यानी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इक्वल पार्टनर है, रेजिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन वॉज 47,000। क्या कह रहा है बेटा, रेजिडुअल प्रॉफिट बता रहा है, रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, इतना प्रॉफिट रेजिडुअल बच गया। यानी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी करंट अकाउंट बैलेंस स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था, 1500 है ना, 1500 क्रेडिट है स्टार्ट ऑफ द ईयर। हमने बताना है एंड ऑफ द ईयर बैलेंस क्या होगा, सही है। तो यहाँ पे यानी का हमने करंट अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है करंट अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखो कितना दिया बेटा क्रेडिट, तो बैलेंस भी क्रेडिट पे आ जाएगा, सही। अब ये यानी का डेटा दिया हुआ है, जो जो चीजें बेटा पार्टनर को देनी है उसके अकाउंट में क्रेडिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चूंकि पार्टनर से लेना होता है तो वो डेबिट पे आता है आपको पता है, सैलरी चूंकि पार्टनर को पे करनी है वो क्रेडिट पे आ जाएगी, और ड्रॉइंग कहाँ आ जाएगी, डेबिट पे, कि ड्रॉइंग जो है वो उससे हमने ऑलरेडी वो ले जा चुके हैं, सही है। तो ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट दे रहा है आफ्टर अप्रोप्रिएशन, अब ये हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे दी हुई हैं लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया। अब ये कह रहा है ये रेजिडुअल प्रॉफिट है, रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब ये बेटा ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचता है बेटा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे इक्वल पार्टनर, सही है। तो 47 को डिवाइड बाय 2 कर दें, ऐसा 47 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा बेटा, एक हिस्से में 23,500 ये आ जाएगा शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट 23,500। क्या आप इसको बैलेंस करके बेटा बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप देख लें बेटा बड़ी साइड कौन सी आ रही है, क्रेडिट आ रही है 1500, 2400, 3000 एंड 23,500। पार्टनर को कितने पैसे देने हैं, 30,400, इसमें से माइनस कर दें 600 और 18,000, कितना आ गया 11,800। तो 11,800 आ गया बेटा आंसर, और ये क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चला, अगर बैलेंस सीडी डेबिट पे आ रहा है तो बैलेंस बीडी बन के कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे आ रहा है। देखिए अच्छा सवाल था, इसमें हमने बनाना था करंट अकाउंट। कह रहे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, हु हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा, और शेयर होल्डर्स ने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा उनका नुकसान नहीं हो सकता। तो जब बोलते हैं कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, बाकियों की लाइबिलिटी तो होती नहीं है। कह रहे विच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, हमने बताया लिमिटेड कंपनी के बारे में कौन सी बात सही है। ऑर्डिनरी डिविडेंड इज पेड शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, बात गलत है। ऑर्डिनरी डिविडेंड कहाँ आता है सर, सोसाई में आता है। कह रहे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज शोन इन द सोसाई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, बात सही है बिल्कुल। जनरल रिजर्व को बढ़ा देते हैं क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देते हैं,
डेबेंचर्स इशूड आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, बात गलत है। डेबेंचर जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो एसओएफपी में तो आते हैं, बैलेंस शीट में वो सोसाई में नहीं आते। प्रोपोज डिविडेंड इज नॉट शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, प्रोपोज डिविडेंड तो कहीं पे भी शो नहीं होता, तो ये बात सही है। प्रोपोज डिविडेंड इज नॉट शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, एक्चुअली प्रोपोज डिविडेंड इज नॉट शोन एनी वेयर, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। तो बेटा 2 and 4 इज द राइट आंसर, सही है 2 and 4। प्रोपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं बनती। हाउ इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम्प्लीट ड्रॉइंग, बहुत आसान है। जैसे आपने पढ़ा है बचपन में बैलेंस शीट जब हम बनाते थे तो फॉर्मेट क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड करते थे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेस कर देते थे ड्रॉइंग्स तो हमारे पास क्या आ जाता था, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। और इस इक्वेशन में एक और भी चीज़ आ सकती है और वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी कैपिटल बढ़ जाता है। तो आपको पता है भाई ये सारी चीज़ें, और अगर हमें सब कुछ दिया हुआ हो और हमें जो है वो प्रॉफिट ना दिया हो तो क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से चलेंगे बेटा, जो ड्रॉइंग माइनस हो रही है उसको प्लस करेंगे और जो ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट किससे करना है, हमने क्लोजिंग कैपिटल से, सही है, और जो ड्रॉइंग माइनस हो रही थी उसको प्लस करेंगे और जो ओपनिंग कैपिटल प्लस हो रहा था उसको माइनस करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर। आगे कुछ और डेटा दिया हुआ बेटा, हमने निकालना है करंट रेशियो, बहुत आसान होता है। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा बेटा, कैश इन हैंड आ जाएगा, लोन तो नहीं आता यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा और अदर रिसीवेबल आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा, तो ये करंट एसेट्स। तो बेटा इनको ऐड कर लेते हैं हम करंट एसेट्स को, क्या क्या आ रहा है, 150 कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल्स 8000 है, और क्या है अदर रिसीवेबल 275, और इन्वेंटोरी कितनी है 24000, सही है। तो करंट एसेट्स आ गए 3, 2, 4, 2, 5 आ गए, यहाँ लिखे हुए भी है शायद इसने 3, 2, 4, 2, 5, किसी बच्चे ने सॉल्व किया है। और करंट लाइबिलिटीज बेटा क्या आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज, अच्छा आप देखें यहाँ पे ईयर एंड कब हो रहा है, 22 में, तो जो लोन हमने 22 में ही पे करना है वो करंट लाइबिलिटी होगी, और जो 24 में पे करना है वो क्या होगा, नॉन करंट। तो एक तो करंट लाइबिलिटी में बेटा ये बैंक लोन ये वाला आ जाएगा, एक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, एक ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, और एक अदर पेबल्स आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें बेटा करंट लाइबिलिटी में आ रही, सबसे पहले वो लोन जो हमने नेक्स्ट ईयर रीपे करना है, फिर ओवरड्राफ्ट आ गया, फिर ट्रेड पेबल्स आ गया, फिर अदर पेबल्स आ गया। बेटा 8495 आ रहा है हमारे पास करंट लाइबिलिटी, 8495। तो करंट एसेट्स कितना है बेटा हमारे पास, 3, 2, 4, 2, 5 करंट एसेट्स हैं, और करंट लाइबिलिटी कितनी है 8495। तो बेटा ये आ गया हमारा करंट रेशो, क्या गया 3.816, 3.82 आ जाएगा, उसके आगे रेशो 1 लगा देते हैं। इसका मतलब फॉर ईच डॉलर ऑफ करंट लाइबिलिटी वी हैव करंट एसेट्स ऑफ 3.82, सही। तो हमने ये भी बात की थी कि भाई आइडियली जो करंट रेशो होता है वो होता है 2:1, मैक्सिमम कितना होता है सर 3:1, और मिनिमम कितना होता है कम से कम 1.5:1। इसका मतलब रेंज है इसकी 1.5 से लेके 3 तक, और 2 सबसे बेस्ट है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा जैसे यहाँ पे तो हम बोलेंगे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, और 1.5 से नीचे होगा तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, बिजनेस रिस्क पे है कि बिजनेस क्या हो सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे कुछ और डेटा दिया हुआ है, एलन का क्विक रेशो दिया हुआ है, जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी कहते हैं, और करंट लाइबिलिटी दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है, हमने बताना है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज करंट एसेट्स। तो हमने बताना है करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे। तो बेटा आपको क्विक रेशो का फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो बेटा पहले दिया हुआ है 2.5, करंट एसेट्स हमें नहीं पता वो एक्स कर दें, इन्वेंट्री हमें पता है कितनी है 6000, और करंट लाइबिलिटी हमें पता है कितनी है 12000। क्या इसको सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं, ये जो 12000 बेटा डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2.5 टाइम्स तो ये आ गया हमारा 30000, सही। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये हो गई 30000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6000, यही है। तो बेटा अगर एक्स को यही रहने दें, जो माइनस 6000 है इधर जाके प्लस हो जाए, तो 36000 आ गए बेटा हमारे पास करंट एसेट्स, सही। इसको दोबारा चेक भी कर लेते ना, कि अगर करंट एसेट्स हम रख दें इस फॉर्मूले में 36000, और इसमें से इन्वेंटोरी माइनस कर दें 6000,
तो ये क्विक एसेट्स आ गए 30, उसको डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटी से जो कि 12,000 है, तो आंसर आ रहा है 2.5। सही है जी, तो ये आंसर हो गया। तो सवाल यह था सर आइडियली क्विक रेशो कितना होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए 1:1। मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा? 2:1। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 0.7:1। सही है, आइडियली 1 है, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 से ऊपर अगर होगा तो बोलेंगे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 1 बेस्ट है। और मिनिमम होना चाहिए 0.7, अगर 0.7 से भी नीचे जा रहा है तो इसका बोलेंगे हम बात करेंगे बिजनेस जो है वो रिस्क पर है कि क्या हो सकता है बैंकक्राफ्ट हो सकता है। तो आखिरी में जो है वो कल्प्रेट की तस्वीर नजर आ गई है। सही, CID को भेजनी पड़ेगी, जिसने ये पिक्चर ली है उसका शेडो आ रहा है या कुछ आ रहा है, बहरहाल हो सकता है उसने जो है समोसा वगैरह खाया है, इसमें ऑयल हो, बहरहाल। अ ट्रेडर वॉन्ट टू इम्प्रूव हर ग्रॉस मार्जिन, तो क्या करना है बेटा? GP मार्जिन को इम्प्रूव करना है। GP मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? GP मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सही, मल्टीप्लाई बाय 100। तो GP मार्जिन नॉर्मली कैसे बढ़ता है कि अगर हम महंगा बेचें सेलिंग प्राइस बढ़ जाए या हम सस्ता खरीदें, सही। तो GP मार्जिन रिड्यूस एडमिन एक्सपेंस, ये पहले भी आया सवाल, एक्सपेंस से बेटा GP का कोई ताल्लुक नहीं है। रिड्यूस डेप्रिसिएशन, वो भी एक्सपेंस होती है। रिड्यूस डिस्काउंट अलाउड, वो भी एक्सपेंस होता है। रिड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल, अगर ट्रेड डिस्काउंट बेटा हम कम कर देंगे तो इसका मतलब महंगा बेचेंगे तो GP मार्जिन क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। आखिरी सवाल है बेटा, टू फाइनेंस फर्दर एक्सपेंशन बिजनेस ओनर पेड 10,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ओनर ने 10,000 बिजनेस में डाले, सही बात है। इन द लेजर अ डेबिट एंट्री वॉज मेड इन द बैंक को डेबिट किया, एंड अ क्रेडिट एंट्री वॉज मेड इन द कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनाते हैं ना बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो हमने बताना है भाई ये जो है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वर अप्लाई किए, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया है। एक तो हमने यहाँ ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? कि डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ड्यूअलिटी क्या कहता है? सही, हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ए और डी तो कट गया क्योंकि इसमें ड्यूअलिटी नहीं है। अब ड्यूअलिटी के साथ मैचिंग है या बिजनेस एंटिटी है? यहाँ पे बेटा हमारे लिए जो है वो बिजनेस एंटिटी रेलिवेंट होगा। सही, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? कि ओनर अलग है और ओनर का बिजनेस अलग है। सही है, तो ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो कैपिटल के नाम से लगा रहा है, क्योंकि घर का पैसा अलग होता है, बिजनेस में जब वो पैसा आ जाता है तो बिजनेस का कैपिटल बन जाता है। ऐसे ओनर जब पैसे घर से लेकर जाएगा तो वो एक सेपरेट अकाउंट खोलेगा, फिर वो एक्सपेंस में नहीं डालेगा, वो ड्रॉइंग में डालेगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये पेपर समझ में आ गया हो। अच्छा, ये हमारे पास कितने हो गए सवाल? 35 तो हो गए। अभी आगे क्या पेजेस शायद आगे पीछे हो गए शायद, एक सेकेंड, बिल्कुल 26 था और फिर डायरेक्ट 31 आ गया, इसका मतलब 27, 28, 29, 30 चार सवाल मिसिंग है, वो शायद आगे पेज पे दिए हैं। चलो ये आ गए, ये चार सवाल जो हमने स्किप किए थे। सही, तो वो पेजेस असल में उसने जो है ना आगे पीछे कर दिए। चलो ये भी कर लेते। क्या कह रहा है? कह रहा बेटा गोल्फ क्लब सेल रिफ्रेशमेंट टू इट्स मेंबर, रिफ्रेशमेंट बोले कैंटीन बोले कैफे बोले बात एक ही है। सप्लायर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट वर ओड 250 ऑन 1st January। सप्लायर्स जिसका मतलब ट्रेड पेबल होते हैं बेटा, ट्रेड पेबल कितना ओ कर रहे थे? 250 ऑन 1st January ओपनिंग है, और 400 ट्रेड पेबल था क्लोजिंग। पेमेंट टू सप्लायर कितना था बेटा? 7200। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 100 लेस देन द इन्वेंट्री एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री में मस्ती कर रहे हैं। वट वॉज द कॉस्ट ऑफ सेल फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर द ईयर एंडेड? हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है बेटा? इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, याद है। ऐड करते हैं इसमें हम परचेजेस और लेस करते हैं क्या चीज़? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्या आ जाता है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल। अब बेटा सबसे पहले अगर आप देख लें इन्वेंट्री का क्या सीन है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 100 लेस देन इन्वेंट्री एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्या मतलब बेटा? जितनी इन्वेंट्री हमारी स्टार्ट में थी, सही है, और क्लोजिंग में उससे 100 कम होगी, यही कहना चाह रहा है ना। इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर वॉज 100 लेस। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो अगर हम ओपनिंग 100 कर दें और क्लोजिंग को 0 कर दें तो क्या ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी जो ये कह रहा है हमें? इन्वेंट्री एंड ऑफ द ईयर 100 कम थी देन इन्वेंट्री एट स्टार्ट। तो अगर मैं अज्यूम करूँ स्टार्ट में 100 ही थी तो क्लोजिंग में उससे 100 कम हो जाएगी। इसका मतलब जितनी भी हम ओपनिंग लिखेंगे ना, क्लोजिंग को उससे 100 क्या लिखेंगे? कम लिखेंगे। और अगर वो बोलता है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 मोर देन ओपनिंग है तो अब ओपनिंग को 0 कर देते, क्लोजिंग 100 लिख देते। परचेस कैसे आता है बेटा? परचेस के लिए या तो आप बना लें PLCA या तो हम डायरेक्टली भी वर्किंग कर सकते हैं। और वो क्या वर्किंग होती है? सबसे पहले ले लेते हैं बैंक।
बैंक का मतलब पेमेंट टू सप्लायर, आपको पता है क्लोजिंग अक्रूड ईयर एंड पे प्लस होता है, तो बेटा अगर अक्रूड ईयर एंड पे प्लस होगा तो ईयर स्टार्ट का अक्रूड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आप बताएं बेटा पेमेंट टू सप्लायर कितना पे किया हमने इस साल, 7200, ये बैंक आ जाएगा। और ईयर एंड पे बेटा ओड कितना है, ओड अक्रूड होता है, तो बेटा ये बता रहा है 400 ऑन 31st December ओड है, तो क्लोजिंग अक्रूड प्लस कर देंगे। और ओपनिंग ओड कितना बेटा बताएं, 1st January में सप्लायर्स ऑफ रिफ्रेश में ओड 250 ऑन 1st January, तो ओपनिंग अक्रूड कितना बेटा 250, तो 250 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो क्या इसको सॉल्व करके बेटा पहले हम ये निकाल सकते हैं परचेज, बिल्कुल कैसे निकालेंगे बेटा, बैंक है 7200, क्लोजिंग अक्रूड प्लस हो जाएगा और ओपनिंग अक्रूड क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आ गई बेटा 7350, ये आ गई परचेजेस। तो ओपनिंग में परचेज ऐड कर दें, क्लोजिंग तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 7450, और सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते तो क्या आ जाता है बेटा जीपी आ जाता। और नेक्स्ट बेटा ये सब्सक्रिप्शन के हवाले से कुछ बता रहे हैं, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सही है। तो बेटा इसके लिए दो तरीके, या तो इसके लिए बेहतर तरीका होता है कि आप इसके लिए एक बना लें इनकम अकाउंट, और इनकम के लिए हम एक नए निमोनिक पढ़ते थे APPA अप्पा अकाउंट, क्या अक्रूड प्रीपेड प्रीपेड अक्रूड, और एक्सपेंस में होता है निमोनिक पाप अकाउंट PAAP प्रीपेड अक्रूड अक्रूड प्रीपेड। आपको पता है सब्सक्रिप्शन जो क्लब अपने मेंबर्स से जो फीस चार्ज करता है वो सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन दो तरह की होती है बेटा, अक्रूड इनकम या प्रीपेड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब बेटा हमने सर्विस दे दी लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, तो ये एसेट है, ओपनिंग एसेट डेबिट पे आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट पे आएगा। और प्रीपेड इनकम क्या होता है, लायबिलिटी, के भाई हमने पैसे ले लिए लेकिन अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की मेंबर्स को, तो ये लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग डेबिट पे। जब पैसे आएंगे बेटा क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, और वैसे इनकम क्रेडिट होती है लेकिन ईयर एंड पे इसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, और कहाँ का रास्ता दिखा देंगे, इनकम स्टेटमेंट की जगह हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेटा हम कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं, 2022, तो जो 2021 का क्लोजिंग है ये 22 के लिए ओपनिंग बन जाएगा, दोनों एडवांस दिए हुए, तो ओपनिंग प्रीपेड कहाँ आ जाएगा बेटा, एडवांस प्रीपेड होता है, ओपनिंग प्रीपेड क्रेडिट पे आ जाएगा, क्लोजिंग डेबिट पे आ जाएगा। इस साल कितना पैसा रिसीव हो गया, 660, तो क्या आप इसको सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं। और अगर कोई इररिकवरेबल डेट होगा बेटा तो वो यहाँ आएगा क्रेडिट पे, और अगर हम अपने मेंबर्स को रिफंड कर रहे हैं तो वो फिर बैंक इधर आएगा डेबिट साइड, सही है। तो बेटा 660 में 40 प्लस कर दें और माइनस कर दें कितना, 50, तो कितना आ गया 650, तो ये आ जाएगा बी आंसर। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे डायरेक्टली कैसे करते हैं, सबसे पहले बैंक लेते हैं, आपको पता है प्रीपेड ईयर एंड पे माइनस होता है, तो क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हो रहा है तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस कर रहे हैं और ये माइनस कर रहे हैं। 29 बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हम पहले आगे वाले कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30th November, व्हाट वाज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है बेटा, वो कॉस्ट होती है जो ट्रेस की जा सकती है प्रोडक्ट को बनाने में, कि एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, तो वो होती है डायरेक्ट, सही है। तो जो सुपरवाइजर होता है उसको हम पर यूनिट के हिसाब से पैसे नहीं देते, सुपरवाइजर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो ओवरहेड का पार्ट होता है। हीट एंड लाइट भी पर यूनिट के हिसाब से बिल नहीं आता जितने यूनिट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन भी पर यूनिट नहीं होता, लेकिन मशीनरी ऑपरेटर या जो ऑपरेटिव्स होते हैं वो डायरेक्ट लेबर होती है, सही है। डायरेक्ट लेबर जितने यूनिट बनाएंगे उतने पैसे देंगे, और रॉ मटेरियल भी क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। तो दो चीजें बेटा डायरेक्ट है, 29 और 82 ऐड कर लें, 29 प्लस 82 कितना आ गया, 111,000, तो ए इज द राइट आंसर। वेयर इज, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस शोन इन द SOFP ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वर्क इन प्रोग्रेस बेटा इन्वेंट्री होती है, और इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट। और आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग वाले एनवायरमेंट में तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, सही है। तो आई होप बेटा आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा।